हाई गाइज अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू वेदांतु कॉमर्स दिस इज नेहा योर इकोनॉमिक्स मास्टर टीचर फॉर द इवनिंग गाइज हेलो हाउ आर यू डूइंग ऑल गुड ये सो वेदांत प्रेजेंस वोट वोट क्या है बच्चों वोट इज वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जामिनेशन दैट बी कंडक्टेड फ्रॉम ट्वेंटी एथ मार्च टू एटीन अप्रिल गाइज ये एग्जाम नहीं है ये आपका कम बैक है

And trip to NASA. How do you vote? You need to register. पहले आपको register कर, करना पड़ेगा and you will have to create your voter ID card. तो name डालोगे यहाँ पे you will check in your grade 11th CBSE आप डालोगे. Then what your board is there target examination when you register you get a voter ID card. ठीक है दो तो यहाँ photo voter लगा के अच्छे से वोटर आई डी कार्ड बना देना देन चूज योर वोट डेज एज वेल आपको जो भी डेट्स पे एग्जामिनेशन देना है यू कैन चूज ऑल द डेट्स एज वेल ठीक है फिर डन करोगे दिस इज अ साइट यहाँ डाउनलोड करना ऐप में ऐप में आप, आप रजिस्टर कर सकते हो और द लिंक विल भी देन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेदांतु कॉमर्स का जो साइट है वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हो टू वोट And what will be the format like format for 11th commerce will be abe what is abe accounts will be there business study here economics is there then questions 30 questions for each subject and 30 minutes also sorry 90 total there. so 90 minutes for all the examination we can bifurcate like 30 30 minutes for च पोर्शन एज वेल हमारा प्लस फोर आएगा आपका राइट आंसर एंड येगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देर नेगेटिव इज माइनस वन एम सी क्यूज आपके क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे ठीक है यू कैन ईवन फॉर्म योर स्कोर्ड्स स्कोर्ट्स क्या होते हैं आप आपके फ्रेंड्स के साथ खेल सकती हो ठीक है डेली चैलेंजेस डेली रिवॉर्ड्स वीकली चैलेंजेस आ आदे सारी की सारी चीजें मींस यू कैन जस्ट नेम योर स्कॉड जैसे गेम्स में करते हैं पूरे के पूरे फ्रेंड्स को ऐड कर लो यहां पे स्लोगन डालो क्रिएट योर स्कॉड एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस एज वेल सो क्लास इलेवेंथ आर वी ऑल सेट इफ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल हिट द लाइक बटन शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करो गाइज फॉर योर अपकमिंग नोट्स एंड सेशन वट यू डू यू सब्सक्राइब टू आर टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे आपको मिल जाते हैं नोट प्लस योर टीचर्स टाइम टेबल एट विच टीचर्स गोइंग टू कम एट वॉट टाइम वॉट आर दे गोइंग टू टीच फॉर द डे सारी की सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है लिंक विल बी दे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गो अहेड एंड जॉइन द सेम सो इलेवेंथ का है हमारा इकोनॉमिक्स ब्रिज कोर्स फ्रॉम इलेवेंथ टू ट्वेल्थ वी विल मेक योर ट्रांजेक्शन रियली ईजी पीजी इलेवेंथ ईजी राइट चलो आर वी ऑल गेटिंग रेडी बिल्कुल अप्रैल आने वाला है अप्रैल से बिल्कुल जोरों शोरों से क्लास ट्वेल्थ की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी मुझे तो कभी कभी लगता है आप लोग इलेवेंथ ट्वेल्थ वाला जो स्टार्ट है क्लास ट्वेल्थ करते करते जब ये मे का एग्जामिनेशन होगा इतनी जल्दी कोर्स पूरा खत्म मत कर लेना कि मॉक के पेपर्स में आप लोग पूरे के पूरे आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देने स्टार्ट कर दो ठीक है आई नो बिल्कुल सुपर कॉन्फिडेंट होते हो आप लोग तो देखते हैं हमारी तैयारी कहाँ लेकर जा रही है सो लेट अस सी दैट वॉट एल्स इज देयर इन क्लास ट्वेल्थ फॉर आस चलो लेट अस स्टार्ट स्टार्ट विद यस कर दे स्टार्ट चलो सो इकोनॉमिक्स हमने अभी क्लास इलेवेंथ में क्या पढ़ा ठीक है वी हैव टू बी रूटेड हमें अपने रूट्स पता होने चाहिए कि हमने कहाँ से बेस में स्टार्ट किया है उसके बाद ही तो वी कैन बिल्ड अ फाइन फाउंडेशन राइट तो हमने स्टार्ट किया था बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स से राइट right? माइक्रो था हमारा क्लास इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट ंग वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स इन योर क्लास ट्वेल्थ ठीक है माइक्रो वॉज डीलिंग विथ छोटा छोटा थिंग्स मैक्रो एट अ हायर लेवल बड़े वाले लेवल की थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग डिमांड ठीक है फॉर वन प्रोडक्ट मार्केट डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट मैक्रो लेवल पे लेकर आते हैं इसको डिमांड दैट इज अग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स सोचो एक इकोनॉमी में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? सबकी अग्रीगेट डिमांड वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेटिंग एंड स्टडिंग एट द मैक्रो लेवल बड़ा हो गया ना हमारा क्लास तो मैक्रो लेवल पे. माइक्रो इकोनॉमिक्स में गाइस हमने पढ़ा माइक्रो कहाँ से आया था ग्रीक वर्ड से आया था दैट मीन स्मॉल ठीके? Macro means large. And economics. It was a branch of economics that studied the behavior of individuals and firms in the making of decisions regarding the allocation of the scarce resources and interaction among these individuals and firms. level चोड़ micro, individuals, थे, firms. थे. Now industry, economy. ये सारी बड़ी बड़ी टर्म्स आने वाली है इन आर माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइसेस डिसीजंस ऑफ आर इंडिविजुअल फर्म्स डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन यू सी ऑल द इंडिविजुअल सिंगल सिंगल पर्सन हाउ डिमांड एंड प्राइस आर डिटर्मिंड इन इंडिविजुअल मार्केट हमने मार्केट कंडीशन भी कौन सी पढ़ी थी इंडिविजुअल मार्केट्स पढ़ी थी डिसीजन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन हाउस होल्ड यहाँ पे इंडिविजुअल ठीक है माइक्रो एट अ वेरी बेसिक स्मॉल लेवल बट बिफोर स्टार्टिंग ऑल द माइक्रो थिंग्स आपको ये माइक्रो चीज़ें बहुत क्लियर होना चाहिए सुपर डुपर क्लियर होना चाहिए ठीक है क्योंकि वी कैन नॉट गो बिल्ड अ फाउंडेशन इफ आ बेस इज नॉट स्ट्रांग इंडिविजुअल वी स्टार्टेड अभी इसको हाई लेवल पे कैसे लेके जाना है अवेयर so दैट अगर आपको टीचर बोलेगी इलेवेंथ में आप पढ़ के आए हैं तो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी रेडिली अवेलेबल टू इट ठीक है हमने इंट्रोडक्शन देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वहां पर हमने क्या पढ़ा था इलेवेंथ में ही हमने मीनिंग पढ़ लिया था माइक्रो एज वेल एस मैक्रो पॉजिटिव एंड नॉमेटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडीड वॉट वॉज इकॉनॉमी इकॉनॉमी का भी काम आया नहीं था मैक्रो लेवल में आएगा बट हमने पता है इकोनॉमी क्या है वी स्टडीड वॉट वॉर देंट्रल प्रॉब्लम वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम ऑल्सो वी हैड स्टडी इट ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डू नॉट फर्गेट दिस टर्म ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑपरचुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट यू हैव मिस्ड मतलब यू हैव लेफ्ट बिहाइंड एक जो कॉस्ट हुआ है लाइक सपोज यू हैव योर ओन बिल्डिंग यू आर यूजिंग दैट बिल्डिंग इन अ इन प्रोडक्शन ऑफ योर चेस राइट तो वो जो बिल्डिंग का क्या है रेंट आई यू पेंग रेंट टू एनी वन नो क्योंकि द बिल्डिंग इज योर्स ओके इफ यू वुड नॉट हैव बिन यूजिंग दैट बिल्डिंग यू वुड हैव रेंटेड दैट आउट टू समल्स पॉजिटिव ये दैट कॉस्ट इज योर ऑपरचुनिटी कॉस्ट The thing that you have missed to get the second best alternative, ठीक है मतलब आपका ये second बेस्ट ऑल्टरनेट होता अगर आप खुद यूज नहीं कर रहे होते अगर खुद से वो बिल्डिंग यूज नहीं कर रहे होते यू वुड हैव rented that आउट वो आपका second बेस्ट ऑप्शन होता तो द कॉस्ट ऑफ मिसिंग दैट आउट इज योर opportunity कॉस्ट वी स्टडीड आर कंज्यूमर्स इक्बरियम एंड इट्स डिमांड यहाँ पे हमने क्या क्या देखा था कंज्यूमर इक्लेब्रियम में हमने यूटिलिटी को स्टडी किया था मार्जिनल यूटिलिटी वी स्टडी यूटिलिटी क्या होता है वेन आई से यूटिलिटी इट इज द वन सैटिस्फाइंग पार ऑफ अ कमोडिटी दैट हाउ मच अ कमोडिटी इज एबल टू सैटिस्फाई ठीक है मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स विथ ईच अडिशनल यूनिट

ट आर द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्लिब्रियम हमें कंज्यूमर को इक्लिब्रियम मिलाना था वी आर इकोनोम वी है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ठीक है इनकेस ऑफ टू प्रोडक्ट याद आ रहा है सर ओके देन वी स्टार्ट इड इनडिफरेंस एनालिसिस दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंस कॉफ़ एनालिसिस कंज्यूमर्स इक्वेम एंड कंज्यूमर्स बजट बजट लाइन बजट सेट ये हमारी बजट लाइन थी एवरी थिंग ऑल द आइटम्स फॉलोइंग ऑन दिस लाइन व ऑन योर बजट ये बजट के अंदर है दिस इज आउटसाइड द बजट ठीक है देन इन डिफ्रेंस कर्व बनाया था हमने फिर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स क्या बनाते हैं इंडिफरेंस मैप बनाते हैं एंड वी स्टडीड ऑल द कंज्यूमर कंजूम के कंडीशंस वी केम ऑन टू देन डिमांड डिमांड पढ़ा मार्केट डिमांड पढ़ा अभी ट्वेल्थ में हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे यू शुड नो एंड बी अवेयर ऑफ ऑल द डिटर्मिनेट ऑफ डिमांड द डिमांड शेड्यूल डिमांड कर्व स्लोप इट्स मूवमेंट अलॉन्ग मीन्स ये है मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व एज वेल एज योर शिफ्ट इन योर डिमांड कर्व एज वेल अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देन योर फैक्टर्स दैट व अफेक्टिंग द प्राइज इलास्टिस ऑफ डिमांड मेजरमेंट्स क्या थे प्राइज इलास्टिस ऑफ डिमांड के हाउ डिड वी मेजर परसेंटेज चेंज मेथड रेशो मेथर्ड जस्ट कवर ऑल दीज एज वेल जल्दी जल्दी से इसको देख कर जरूर से ट्वेल्थ में जाना लास्ट टाइम इसको टाटा गुड बाय करने से पहले हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन स्टार्ट विथ योर क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस ठीक है देन प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई वॉन्ट डिट बी स्टार्ट इन दिस वी टोल्ड यू डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन राइट लॉन्ग रन शॉर्ट रन What, I, what is this Short run is a period of time in which some job key costs so those are variable and some are fixed okay? we have some fixed also in short run and long run is a period of time in which all the factors are variable there is nothing fixed out here. Then we study total product, average product, marginal product, कैलकुलेन्स ऑफ ऑल दोज रिटर्न टू अ फैक्टर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है रिटर्न टू फैक्टर रिटर्न टू स्केल यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ दोस्ट में आ गए फिर से आप शॉर्ट रन कॉस्ट वी है क्या क्या होता है टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट सो आपकी टोटल कॉस्ट इज कैटेगराइज इन टू टू थिंग्स फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अभी इसका टोटल निकाल लो एवरेज निकाल लो ठीक है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो मार्जिनल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ठीक है वॉट वॉज रेवेन्यू अगेन वी स्टार्डी अभी हमें रेवेन्यू में हमने टोटल निकाला एवरेज निकाला वी टुक आउट मार्जिनल रेवेन्यू एज वेल उसके मीनिंग हमने स्टडी किए इट्स रिलेशनशिप वी स्टडी वी देन केम ऑन टू सप्लाई जैसे हमारा डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट ठीक है तो सप्लाई रिवाइज मार्केट सप्लाई क्या होता है डिटर्मनेंट्स ऑफ योर सप्लाई सप्लाई शेड्यूल सप्लाई कर्व स्लोब्स मूवमेंट्स एंड शिफ्ट मूवमेंट अलोंग होता है शिफ्ट अपवर्ड्स एंड लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड होता है देन प्राइज इलास्टिटी ऑफ सप्लाई हमने पढ़ी थी यस yes, यस yes. क्या क्या होते हैं फाइव टाइप्स के हो जाते हैं हमारे देन uh, किस कैलकुलेश स्टार्टिंग परसेंटेज चेंज मेथड ऑल्सो वी हैड कवर्ड तो क्या हो जाता है परसेंटेज चेंज इन योर क्वान्टिटी सप्लाई डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइज इज योअर फॉर्मूला ठीक है then we came on to our forms of market and price determination under perfect competition and its simple applications beta ye chapter acche se revise karke jana because it is telling you the shifts theek hai price determination wala jo chapter hai it is going to tell you the shifts isme क्लास 12th में आपको इजी pad जाएगा, to determine demand and supply equilibrium quantity because we are dealing with the economy ना, right तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए अगर बेस क्लियर नहीं है बाकी चीजें आपको बहुत टफ लगने वाली है देन वी स्टार्ट इट परफेक्ट कॉम्पिटिशन फीचर्स क्या होते हैं डिटर्मिनेस डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट मार्केटिंग शिफ्ट इन डिमांड एज वेल एज सप्लाई वी डिड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा था हमने प्राइस सीलिंग क्या होती है प्राइस फ्लोर क्या होता है एम एस पी याद है ऑल दोज थिंग्स तो ये था हमारा क्लास इलेवेंथ का गाइज ठीक है इलेवेंथ का हमने बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करके गए थे नाउ लेट अस कम टू क्लास ट्वेल्व दैट वॉट इज इन स्टोर विथ यू फॉर क्लास 12 वॉट ऑल आर वी गोइंग टू स्टडी इन मैक्रो कॉन्सेप्ट ठीक है अगेन देर आर टू पार्ट्स गाइज आपके जैसे स्टैटिस्टिक्स था और माइक्रो था यहाँ पे आपका आ जाएगा इंडियन इकोनमी ठीक है एंड मैक्रो तो मैक्रो क्या है डीलिंग विथ बड़ा बड़ा इकोनॉमी वाला थिंग्स दिस इज अगेन ऑफ फोर्टी मार्क्स एंड इंडियन इकोनॉमी विल आल्सो सर्व यू 40 मार्क्स ठीक है तो आज हम मैक्रो का इंट्रोडक्शन देखते हैं दैट व्हाट ऑल डू वी हैव इन मैक्रो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड अग्रीगेट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नेशनल इंडिविजुअल नो फर्म नेशनल लेवल की बातें चालू हो गई है राइट तो हमारी नेशन की इनकम क्या है दी आर गोइंग टू कवर इन नेशनल इनकम वी आर गोइंग टू स्टडी सबसे पहले वॉट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे आपके कंजम्शन गुड्स कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स ठीक है तो कितने टाइप के गुज हो गए आपके कंजम्पशन कैपिटल फाइनल इंटरमीडिएट इन ये सारे के सारे का आपको मीनिंग पता होना चाहिए वी आर गोइंग टू बी कवरिंग एवरी थिंग डोंट वरी बिकॉज वी आर डूलिंग विद द कैलकुलेशंस नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ये सारे के सारे टर्म्स वी आर गोइंग टू बी यूज देन दे कैन बी स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट ठीक है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग दैट टाइम ठीक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू बी डूइंग ऑल दिस इन डिटेल्स दिस इज ऑनआर द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आफ्टर आर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो वी विल स्टार्ट विथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल ठीक है बट आई विल टीच यू थ्री एंड फोर सेक्टर एज वेल राइट right? तो so, आपके बुक में सिर्फ टू सेक्टर दिया हुआ बट वी विल कवर थ्री एंड फोर एज वेल तो क्या हो जाएगा वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय टू सेक्टर मॉडल थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट बेटा यहाँ पे ट्वेल्व मार्क्स कहीं नहीं गए राइट ट्वेल्व मार्क्स ओके ये सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन वाला चैप्टर है थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बट शुरू से इस इसमें बेस बनाना एंड कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखना डू नॉट मग अप द फॉर्मुलस वी आर गोइंग टू बी लर्निंग हाउ टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन ऑफ देम आराम से समझते हुए ठीक है तो देर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड तीनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि नेशनल इनकम सेम होता है रिलेटेड अग्रीगेट अभी पोर्शन हो गया रिलेटेड मतलब नेशनल इनकम दैट इज जी एन पी निकालेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम एन एन पी दैट इज नेट नेशनल इनकम जी डी पी निकालेंगे जी डी पी तो बहुत सुना हुआ है आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सोचो ये सारी टर्म्स अभी तक सिर्फ सुनी थी जी बढ़ गया जी कम हो गया अभी खुद से कैलकुलेट करेंगे राइट right? बेटा नेशनल इनकम एट क्या होता है फैक्टर कॉस्ट होता है ये सब अभी हम समझेंगे मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट ऑल दो एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट रियल जी डी पी नॉमिनल जी डी पी जी डी पी एंड वेलफेयर इज अगेन वन इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट Clear enough, ये सारा फ्लो होने वाला है टू स्टडी दे मनी एंड बैंकिंग में सिंपल थिंग्स वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ मनी मनी क्या है इट्स हिस्ट्री ठीक है हिस्ट्री मनी का क्या था बेटा बाटर सिस्टम बाटर सिस्टम की विल भी स्टार्टिंग दैट वट वॉज बाटर सिस्टम हाउ इट केम इन टू एग्जिस्टेंस वॉट वॉज द लिमिटेशन देन वॉट हैपेंड की मनी आ गया राइट सम एडवांटेजेस ऑफ मनी देन यहाँ पे हम करने वाले हैं वॉट इज करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्टर एवरी थिंग इज अंडरस्टैंडिंग आउट हर चीज़ समझना पड़ेगा मनी क्रिएशन इज वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट हम इसको अच्छे से समझेंगे हम। देन सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन वी विल डू इजी पीजी सेंट्रल बैंक बैंक एंड इट्स फंक्शंस सेंट्रल बैंक क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपिक्स बैंक ऑफ इंडिया टॉप मोस्ट बैंक सेंट्रल बैंक देन वाई इज इट नोन एज बैंकर्स बैंक वॉट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बैंक ऑफ एश्यू ये सारी कि सारी चीजें वील बी कवरिंग इन द सेंट्रल बैंक एंड इज फंक्शन चैप्टर सो मनी एंड बैंकिंग इज वन वेरी वेरी इजी दिस विल्स को यू अराउंड सिक्स टू एट मार्क्स थर्ड अनादर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इफ यू अंडरस्टैंड दिस दैन नथिंग इज ईजियर दैन दिस एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस यू विल गेट कन्फ्यूज तो शुरू से स्ट्रोंग बेस बनाना इज आर मोटिव राइट बिकॉज नॉलेज ठीक है समझ लिया बट बोर्ड एग्जाम आते हैं या लोकल एग्जामिनेशन नहीं हमारे स्कूल का एग्जाम नहीं चलेगा लाइक क्लास इलेवेंथ बाहर से आएंगे टीचर्स दे विल चेक अप आर पेपर्स तो वी हैव टू गिव आर बेस्ट फॉर गिविंग आर बेस्ट वी नीड टू नो द बेस्ट ओके सो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दिस इज अनादर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अग्रीगेट डिमांड आएगा यहाँ पे यस yes, हमने ब्रिज कोर्स में किया था अग्रीगेट डिमांड एक कॉन्सेप्ट आने वाला है अग्रीगेट सप्लाई भी आने वाला है राइट ये सब हम चीजें करेंगे इट्स कॉम्पनेंस देन वॉट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसके बेटा आते हैं न्यूमेरिकल but for solving numerical also you have to understand the theory short run equilibrium outputs we are studying investment multiplier denoted by your k again calculation we'll do that meaning of full employment involuntary unemployment yes theory part Okay. lots of graphs in this chapter lots lots means lots lots right देन प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड डेफिशेंट डिमांड ये सारा चीजें हमें पता होना चाहिए हम सब पढ़ के आएंगे ठीक है एक्सेस डिमांड डेफिशेंट डिमांड कहाँ पर पढ़ा है ये अभी ब्रिज कोर्स में हमने देखा था वॉट वॉज दिस प्राइज डिटर्मिनेशन क्लास इलेवेंथ राइट वेन वी वार्टार्टिंग दैट वी केम अलॉन्ग विद दिस टर्म एक्सेस डिमांड डेफिशेंट डिमांड

नाउ द गवर्नमेंट हैज टू डू समिंग्स सम ट्रिक्स करना पड़ता है टू कर्ब दिस इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इज नाथिंग बट योर प्राइजेस आर राइजिंग ठीक है हर चीज की प्राइजेस आर राइजिंग इन द कंट्री दैट इज इन्फ्लेशन नाउ दिस इज नॉट गुड दैट इज नॉट अ गुड कंडीशन ठीक है ये क्यों आता है मेन रीजन इज दैट मनी सप्लाई इन योर इकोनोमी इज गोइंग अबव द रिक्वायर्ड लेवल मनी सप्लाई इज एक्स इन एक्सेस राइट टू कर्प दिस मनी सप्लाई को हमें कम करना पड़ेगा इकोनॉमी गवर्नमेंट के हाथ में है हाउ टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी एंड दीज आर द टूल्स चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेज मनी सप्लाई थ्रू बैंक रेट सी आर आर एस एल आर डोंट डरोफाई विथ ऑल दिस टर्म्स आई एम वो एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी वेरी स्लोली स्टडिली एंड ईजिली वी आर गोइंग टू बी कवरिंग एवरीथिंग ठीक है हर चीज लॉजिक से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मनी सप्लाई कव करना है यूजिंग ऑल दीज टूल्स ठीक है ये करेंगे एंड वॉट आर वी गोइंग टू डू मनी सप्लाई हमने कव कर लिया इसका आपका केस स्टडी आ सकता है ठीक है दैट यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन्फ्लेशन इज क्रीपिंग इन योर कंट्री What, uh, what tools do you have? Kya available haiap kipas. Analytical-based questions. All these are there. Okay. Fourth, again, show the chapter is our government budget and the economy. Government budget? Very easy. Very, very easy topic. Meaning parenga objectives. And what are the components of the budget? Iska एक डायग्राम बनाएंगे डायग्राम बना के वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑन द कॉम्पोनेट्स की रेसिप्स होती हैं एक्सपेंडिचर होता है रेसिप्स में रेवेन्यू रेसिप्ट होती है कैपिटल रेसिप्ट होती है एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है यस yes, हम हमेशा डायग्राम बना के पढ़ते हैं तो इसको भी डायग्राम से इजीली समझ जाएंगे देन व्हाट आर द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट बजट का डेफिसिट

हाउ कैन वी रिमूव दैट वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग इन दिस चैप्टर ठीक है अगेन एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड ट्वेल्थ क्लास में थ्योरी थ्योरी माइक्रो में नहीं है ठीक है हर चीज इज एनालिटिकल बेस्ड इंडियन इकोनमी वाला चैप्टर इज मोर ओवर लाइक योर हिस्ट्री राइट फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी टिल नाइनटीन नाइनटी वन एंड नाइनटीन नाइनटीन वन से अभी तक का जो भी है दैट वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग देयर क्या क्या रिफॉर्म्स आए दैट सॉर्ट ऑफ अ हिस्ट्री सिविक्स वाला थिंग बट दिस अगेन योर वेरी प्रैक्टिकल थिंग इज गोइंग टू बी दैट ठीक है फिफ्थ बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होएगा हमारा एक बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होता है ठीक है ठीक है बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट इनका डिफ्रेंसिएशन बैलेंस ऑफ ट्रेड में अभी से इजीली समझा देती हूँ आपको आप एक्सपोर्ट्स करते हो ट्रेड गुड्स का इंपोर्ट्स करते हैं इनका डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड ट्रेड इज वॉट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स दैट इज डीलिंग विद जस्ट द गुड्स राइट नॉट द सर्विस इज जस्ट द गुड्स तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में और भी चीजें आती हैं सर्विसेज आते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं बट अगेन इट्स लाइक समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ योर कंट्री एंड समथिंग इज कमिंग इन योर कंट्री ठीक है फॉरन एक्सचेंज आता है इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन इस डीलिंग विद अदर कंट्रीज सो हमने फॉरन एक्सचेंज भी इसी यूनिट में रखा हुआ है फॉरन एक्सचेंज रेट पहले फॉरन एक्सचेंज क्या होता है वो समझेंगे फॉरन एक्सचेंज समझने के लिए एक डोमेस्टिक करेंसी समझना पड़ेगा डोमेस्टिक करेंसी इज य ओन कंट्रीज करेंसी ठीक है इंडिया की क्या है बेटा रुपीज़ डोमेस्टिक करेंसी इज रुपीज़ ना इंडिया का तो दिस इज़ योर डोमेस्टिक करेंसी एंड कितनी करेंसीज़ आती हैं इसके अलावा आपको नेम एनी बताओ मैम यूरो इज देर देन पाउंड इज देर डॉलर इज देर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज देर सिंगापुर डॉलर इज दर ठीक है ये सारे के सारे अदर देन योर डोमेस्टिक करेंसी इज योर फॉरिन एक्सचेंज सिंपल ठीक है वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग की हाउ डू वी मैनेज द रेट्स अभी रेट क्या चल रहा है लाइक आज का है अराउंड फॉर वन डॉलर यू हैव टू पे रुपीज सेवेंटी टू ठीक है नॉट टेकिंग द डेसिमल्स दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनादर करेंसी Yes, one currency into another currency. That is your foreign exchange rate. How do we do that? What are flexible rates? Managing rates, floating, manage floating rates. These sub things we are going to cover. So now, tell me, are you all set for our class twelve? Yes, good guys. So we are all set.

अगर हम टेस्ट और असाइनमेंट आपको दे भी दें वी विल नॉट बी एबल टू चेक इट बट आप प्रो सब्सक्रिप्शन हम चेक करते हैं कंटिन्यूसली रिव्यू करते हैं वी इवन टेल यू द द रिपोर्ट कार्ड दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव अगर किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा लैक हो रहा है वी कैन एनालाइज इट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड टेल यू दैट टू थाउजेंड प्लस आवर्स ऑफ लाइफ ऑनलाइन टीचिंग योर प्राइज सो टू सेवन नाइन नाइन इज फॉर वन मंथ एंड ऑल द फोर सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस प्राइज

फॉर योर क्लास ट्वेल्थ तक एट ऑफलाइन कोचिंग लोगे ऑफलाइन में कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा वेदांतो इज गिविंग यू ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन आपके क्लास में एक क्लास टीचर्स होंगे मास्टर टीचर्स होंगे राइट द स्टूडेंट्स डाटा दे आर गोइंग टू आस्ट द डाउट्स ऑल इंडिया लेवल के ब्रेन्स विल बी देर। आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे वहाँ पर इज इंट इट अपमिंग नोट दिस इज योर टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे आपको मिलते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यही मिल जाती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल जल्दी से लाइक का बटन दबा के जाओ शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास राइट Till then I see you, Beta. Thank you so much and take care and bye bye.